नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि वीवो ने लॉन्च कर रही है अपना वीवो नेक्स्ट ड्यूअल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। तो कई दिनों से ये जो है वो लीक्स हो रहे थे कि ये स्मार्टफोन ड्यूअल डिस्प्ले वाला है, क्या होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपको नूबिया एक्स में मिलता है ड्यूअल डिस्प्ले, और ये वर्ल्ड का सेकेंड स्मार्टफोन बनता है ड्यूअल डिस्प्ले के साथ में। तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी और बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम विनय चार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं इसकी बाहर की यानी कि फिजिकल ओवरव्यू की। इसमें आपको मिलता है 6.26 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यानी कि जो फ्रंट डिस्प्ले है। इसके साथ इसमें आपको मिलता है 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन, और आपको इस डिस्प्ले में कोई चीज़ नहीं मिलती यानी कि कोई कैमरा नहीं मिलता है, कोई नॉच, फुल आपको क्लीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। और जो पीछे आपको डिस्प्ले मिलता है वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है, वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन के साथ मिलता है और वो है 5.29 इंचेस का। तो ऐसे में फ्रंट में आपको कोई कैमरा नहीं मिलता, आपको पीछे ही तीन कैमरा मिलते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है यानी कि आप उसी कैमरे से सेल्फी या फिर आपकी जो रेयर फोटो है वो खींच सकते हैं। और ये जो फ़ोन आता है वो है स्नैपड्रैगन 845 के साथ में। तो प्रोसेसर आपको पता ही है कितना बेहतरीन प्रोसेसर है, और यही जो है लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, यानी कि इसके बाद जो है स्नैपड्रैगन 855 है। इसके साथ साथ ये जो फ़ोन है वो आता है 10 GB रैम 120 GB स्टोरेज के साथ में। तो आपको एक ही वेरियंट मिलता है, और इसके साथ इसकी जो प्राइस है मैं सबसे आपको लास्ट में बताऊँगा। और इसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको मिलता है एंड्रॉयड 9.5 का सपोर्ट। इसके साथ कंपनी का खुद का कलर ओएस 5.2, तो आपको पता ही होगा कि ये कितना बेहतरीन है। और ये फ़ोन में आपको सारी चीज़ें मिलती है और एक बैलेंस फ़ोन मिलता है। इसके साथ में आपको जो बैटरी मिलती है वो है 3500 mAh की। तो आपको इसमें बैटरी लाइफ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अभी बात करते हैं इसकी मेन चीज़ यानी कि इसका कैमरा। तो ऐसे में इसमें आपको पीछे मिलते हैं ट्रिपल रेयर कैमराज। जो पहला है वो है 12 MP का, इसमें आपको OIS के साथ आपको जो एपरेचर मिलता है वो है f1.79 का। इसके साथ इसमें आपको जो दूसरा कैमरा मिलता है सेकेंडरी कैमरा वो है 2 MP का, वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए, वो आता है f1.8 एपरेचर साइज के साथ में। और इसके साथ जो लास्ट है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यानी कि ये जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए है, यानी कि आप जो है कितना डिस्टेंस पे खड़े रहकर कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं। इसके साथ साथ इसका जो मेन काम है वो है फेस अनलॉक का। तो ऐसे में आप जो है फेस अनलॉक जो है इसके दूसरे वाले डिस्प्ले से कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रंट में आपको डिस्प्ले में आपको कोई कैमरा नहीं मिलता है इसीलिए वहाँ पर आपको जो है इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो आपको अगर फेस अनलॉक करना होगा तो आपको जो है अपना फ़ोन घुमा के दूसरे वाले डिस्प्ले में आपका फेस अनलॉक होगा। तो ये कुछ नई चीज़ लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो प्राइस है यानी कि वहाँ पर जो रखी है इंडिया के बाहर वो है करीब करीब 50,000 के आसपास। तो ऐसे में बहुत ही कमाल की प्राइस है। इस पर 50,000 के प्राइस में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है, एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है ड्यूअल डिस्प्ले की। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन फ़ोन है। अभी देखते हैं कि इंडिया में आता है या नहीं, और इंडिया में आता भी है तो कितनी प्राइस में लेकर आते हैं। तो ऐसे में इंडिया में अगर लेकर आते बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे फ़ोन्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। तो देखते हैं कि शायद इंडिया में आए या फिर नहीं। वैसे मैं इस फ़ोन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में, यानी कि आपको ये पसंद आया या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाएं मेरे टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सी यू गाइस।